नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, एशियन पेंट्स लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 3280 3285 के आसपास ये कारोबार कर रहा है 19/1/2022 को। गिरावट है पिछले कुछ दिनों से, और एशियन पेंट का जो हाई बना था 3590 बना था 10 जनवरी 2022 को, इसी साल एक नया हाई बना के आज नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। लगातार गिरावट दिख रही है पिछले कुछ समय से एशियन पेंट में, लगभग 300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। अब तीसरे तिमाही का रिजल्ट भी आना है एशियन पेंट का, 20 जनवरी 2022 को आएगा फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा दोस्तों, कल आएगा। तो रिजल्ट से पहले स्टॉक में गिरावट है, शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या अनुमान है रिजल्ट के बारे में उसको भी चेक कर लेते हैं। एशियन पेंट का जो स्टॉक गिर रहा है दोस्तों, ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक ये कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि मार्केट में भी थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है, तो ऊपरी लेवल से फिसला है ये 3590 से 3280 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है 20 जनवरी 2022 को आएगा, तो ब्रोकरेज हाउसेस का क्या अनुमान है उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं और वीडियो और रनिंग में जाएगा। ICICI डायरेक्ट का अनुमान है एशियन पेंट के बारे में, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। तो जो एस्टिमेट है, अर्निंग एस्टिमेट है, एशियन पेंट का नेट प्रॉफिट रह सकता है 921 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह सकता है, और ये डाउन रह सकता है दोस्तों, 27% डाउन रह सकता है साल दर साल के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और 52% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है, नेट प्रॉफिट रह सकता है 921 करोड़ का। तो ये रिजल्ट से पहले अनुमान है, और नेट सेल्स की बात करते हैं तो इंक्रीज रह सकता है 14.7% साल दर साल के हिसाब से, और 9.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है। जो सेल्स रह सकता है 7784 करोड़ का रह सकता है दोस्तों, एशियन पेंट का जो सेल्स रह सकता है, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है 7784 करोड़ का रह सकता है। इबिटा की बात करते हैं तो 25.1% साल दर साल के हिसाब से फॉल हो सकता है, गिर सकता है, और 48% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है, 1338 करोड़ का रह सकता है दोस्तों। तो ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है नेट सेल्स 7784 करोड़ रह सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है ये नेट सेल्स 9.7% का, और साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो 14.7% अप रह सकता है, इंक्रीज रह सकता है नेट से। प्रॉफिट की बात करते हैं एशियन पेंट का 921 करोड़ का रह सकता है, और ये 27% डाउन रह सकता है साल दर साल के हिसाब से, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है 52% का। तो दोस्तों, ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है एशियन पेंट्स का रिजल्ट के बारे में, तीसरी तिमाही का, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो उसका अनुमान है दोस्तों। दोस्तों, अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, और आज भी देखिए स्टॉक में गिरावट है, डेली कैंडल्स हैं, 3280 में ये कारोबार कर रहा है, और लो बनाया 3276, अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका जो ओपन था 3368 और हाई भी 3368 का है, तो जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा 3368 का रहेगा दोस्तों। ऊपरी तरफ जाने में इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिर रहा है, और इसका जो हाई था 3590 का एक हाई बना, और उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, बट 13/1/2022 को इसमें फिर गिरावट आई और नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया 3456, और आज के दिन देखते हैं तो देखिए 3280-3278 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो कहने का मीन्स एक बेरिश मोड बना है एशियन पेंट्स में, आज का दिन भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अगर ये 3260-3255 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें और कमजोरी की संभावना रह सकती है, और स्टॉक का फिर 3160 तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तेजी बनी थी आपको याद होगा, ये 8/12/2021 को ये नीचे के लेवल पे था, लगभग 3000 के आसपास आ गया था, उसके बाद एक अच्छी तेजी बनी ऊपर की तरफ गया। और इससे पहले भी अगर इसका ट्रेंड को हम समझें तो देखिए Q2 का रिजल्ट से पहले ये ऊपर की तरफ था, 24/9/2021 को ऊपर की तरफ लगभग ये 3500 के आसपास था, फिर एक बड़ी गिरावट आई देखिए, इसमें लगभग 2800 तक आ गया, उसके बाद फिर एक तेजी रही। तो कहने का मीन्स ये है कि 25 अक्टूबर के महीने से अभी जनवरी तक एक अच्छी तेजी बनी इसमें, जिन्होंने अगर लोअर लेवल पर लिया होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है तो एक तरह से 3255 के लेवल को देखना चाहिए। और स्टॉक अगर नीचे की तरफ दिखता है तो अपने अनुसार अगर पेंट्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तो एशियन पेंट एक तरह से लीडर है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। स्टॉक एक तरह से अपट्रेंड में है, और हर तिमाही इसमें इस तरह की गिरावट रहती है,
और स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता है। फिलहाल जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देख रहा है, बेरिश मोड बना है, डाउन ट्रेंड में है। आज अगर ये 3260 3255 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें गिरावट और बढ़ सकती है और लगभग 3150 से और 3060 तक आता हुआ दिख सकता है। और 200 डीएमआ 3060 के आसपास है और 3255 में है 100 डीएमआ दोस्तों। तो अगर 3255 के नीचे क्लोजिंग दे तो और इसमें गिरावट हो सकती है और नीचे की तरफ स्टॉक दिखता है तो फिर अपने रिस्क के अनुसार इस स्टॉक को देखना चाहिए। पेंट्स कंपनी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो एशियन पेंट्स शानदार कंपनी है और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ दिखेगा, फिलहाल इस वक्त डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। दूसरा इंडिकेटर RSI की बात करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओवरबॉट था ये और एक तरह से देखिए ये भी डाउन ट्रेंड में है, 39 तक पहुंचा है और थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो ओवरसोल्ड हो जाएगा तो स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जंप करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान था उसका अपडेट था और कुछ टेक्निकल चार्ट के अनुसार लेवल्स थे। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।